तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग जो है किसी भी पीडीएफ को कंप्रेस करते हैं यूजिंग एडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि देखिए मेरे पास एक पीडीएफ है जिसका कि फाइल साइज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तकरीबन 66 MB का है। ठीक है, 66 MB का है, इसको हमें कंप्रेस करना है अंदर 5 MB के अंदर इसको कंप्रेस करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इस चीज के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एआई के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। एआई के डैशबोर्ड पे आने के बाद जो है यहाँ से आपको फाइल में जाना है और यहाँ से ओपन पे क्लिक करना है। ठीक है, ओपन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको डेस्कटॉप पे आना है। डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया था जो है, सॉरी, एक जो मेरा पीडीएफ पड़ा हुआ है डेस्कटॉप के पीडीएफ कंप्रेसर फोल्डर के अंदर में, जो कि इसका नाम है एजी एपिक यूएक्स ऑडिट। इसके हम प्रॉपर्टीज में एक बार जाएंगे। देखिए यहाँ पे 66.6 MB का ये फाइल है, इसको हमें क्या करना है, कंप्रेस करना है। तो कंप्रेस करने के लिए इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक पैनल खुलेगा, मतलब रेंज वन, मतलब जो है यहाँ पे आ रहा है कि अगर आप वन से लेके वन तक को ही इंपोर्ट करना चाहते हो तो वन से लेके वन तक को ही इंपोर्ट करना मतलब कर सकते हैं आप। बट यहाँ पे कितना है, 17 17 जो है यहाँ पे पीडीएफ पेजेस है, जिसमें कि हमें ये बता रहा है कि आप एक नंबर पीडीएफ को इम्पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें 17 के 17 को इम्पोर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉल पे क्लिक करेंगे। ऑल पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि 17 से 17 पेजेस जो है वो क्या होगा, वो सारा जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट होने के बाद जो है एक बार हम यहाँ से इसको ओपन भी कर लेते हैं और इसको जो हम एक बार देख लेते हैं क्रोम के अंदर जाके इसमें कितना पेजेस का ये जो है सो पीडीएफ है। एक बार हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे 17 पेजेस यहाँ पे दिख रहा है, जो कि 17 पेजेस का हमारे सामने ये पीडीएफ है। 66 MB का इसका जो है फाइल साइज है, इसको हमें कंप्रेस करना है 5 से 10 MB के अंदर में। ठीक है, तो वो हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि हमें कितने जो है सो एमबी के अंदर रखना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए हमारा 17 का 17 फाइल जो है क्या हो गया, वो इंपोर्ट होके आ चुका है। यहाँ पे आने के बाद जो हम क्या करेंगे, एक बार इसको जो है शिफ्ट ओ प्रेस करेंगे, आर्टबोर्ड लेंगे और यहाँ से रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से एक के इसमें जो है हम क्या करेंगे, 6 कॉलम में 6 पेजेस को डालेंगे और सबके बीच में गैप जो हम देंगे वो देंगे कम से कम 50 पिक्सल का। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल जो है ये अरेंज हो चुका है 1 2 3 4 5 6 करके। अब इसको हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए आप जाएंगे फाइल में, सेव एज पे क्लिक कर देंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद देखिए ये फोल्डर पहले से हमारे पास सिलेक्टेड है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, फाइल टाइप सेव एज अ टाइप क्या है, यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, एडोब पीडीएफ सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ से आप अपने फाइल का नाम जो भी रखना है आप रख सकते हैं, मेरे केस में अनटाइटल्ड ही रहने देते हैं हम। ठीक है, रेंज नीचे है, रेंज आपको नहीं सिलेक्ट करना है, क्योंकि रेंज में अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर जो है पर्टिकुलर किसी एक पेजेस को अगर मुझे एक्सपोर्ट करना होता तो हम एक पेज को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, यहाँ पे पूरे पीडीएफ को ही कंप्रेस करना है। तो हम यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे ताकि हमारा 17 का 17 पेजेस जो है क्या हो, वो सिलेक्टेड रहे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जाकर के, ठीक है तो सिलेक्टेड रहे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये एक पैनल खुलेगा। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। फाइल में जाना है और यहाँ से सेव एज पे जाना है, यहाँ से आपको जो है फाइल टाइप सेलेक्ट कर लेना है, पीडीएफ में ऑल पे सेलेक्ट करना है आपको। बाय डिफॉल्ट आप जो है सो नाम कुछ भी ले सकते हैं अपने इसका। यहाँ से आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक पैनल खुलेगा यहाँ से। ठीक है, इस पैनल में आपको क्या करना है, यहाँ से हाई क्वालिटी प्रिंट को सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट में बहुत सारा आपको प्रीसेट्स यहाँ पे दिख जाएगा, जिसमें कि आपको जो है हाई क्वालिटी प्रिंट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑप्शन में आना है, ऑप्शन में आने के बाद जो है आपको इस वाले ऑप्शन को आपको टिक मार्क कर देना है, मतलब यहाँ पे प्रिजर्व इलस्ट्रेटर एडिटिंग कैपेबिलिटीज, इसको आपको हटा देना है। यहाँ नीचे जो ऑप्शन है आपको ऑप्टिमाइज फॉर फास्ट वेब व्यू, इस पर क्लिक करके आपको रखना है। ठीक है, अब नीचे आना है कंप्रेशन में। कंप्रेशन में आने के बाद जो है आपके आपके पास जो है यहाँ पे देखिए कंप्रेशन है, कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे यहाँ पे आपको। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे कलर बिटमैप इमेज है तो जितने भी इमेजेस हैं यहाँ पे लगे हुए क्या है वो कलरफुल है। देखिए आप गौर से देखिएगा यहाँ पे, या फिर मैं आपको पीडीएफ खोल के दिखा दूँ तो यहाँ पे जितने भी इमेजेस हैं वो कलरफुल है। तो कलरफुल इमेजेस है तो यहाँ पे जितने भी इमेजेस कलरफुल है इसको हमें सेलेक्ट करना है यहाँ से, और यहाँ पे एवरेज डाउन सैंपल्स 2 करना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेना है सेकेंड वाले ऑप्शन को।
नीचे जो है देखिए ग्रे स्केल बिटमैप इमेज, इसको करना है डू नॉट डाउन सैंपल। नीचे हम आएंगे मोनोक्रोम बिटमैप इमेज, इसको भी हमें क्या करना है, डू नॉट डाउन सैंपल। ठीक है, यहाँ पे हम इसको जिप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से अभी हम इसको जिप सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो पहले वाले को हमने एवरेज डाउन सैंपल 2 किया है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 300 ppi पे है ये, तो हमें यहाँ पे 300 ppi नहीं रखना है। अगर हम 170 या फिर 96 ppi रखेंगे तो इमेज का क्वालिटी क्या होगा, जितने भी इमेजेस होंगे हमारे उसकी क्वालिटी क्या होगी, वो थोड़ा सा कम हो जाएगी और हमारा जो है पीडीएफ वो क्या होगा, वो कंप्रेस हो जाएगा। तो एक बार हम 96 पे करके देखते हैं कि 96 पे जो हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा जो है फाइल साइज कितने का बन रहा है। उसके बाद अगर उससे भी अगर हमें कम करना होगा तो हम यहाँ से इसके पीपीआई को और कम करेंगे और हमारे जो हमारा जो पीडीएफ है उसका फाइल साइज को हम क्या करेंगे, और कम करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम 96 पे जाके इसको सेव पीडीएफ कर देते हैं। अब उसको ये जो है एक्सपोर्ट होने लगा है, एक्सपोर्ट होने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो पीडीएफ है वो कितने एमबी का बना है। अब हम चलेंगे फाइल में, फाइल में आने के बाद हमने ये पीडीएफ का जो नाम था वो अनटाइटल्ड वन था। अब इसके हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अभी भी ये 54.4 एमबी का फाइल है, मतलब जो है सो बहुत ज्यादा एमबी का है अभी भी। तो अभी हमें पीपीआई और कम करना पड़ेगा। फिर से हम जाएंगे फाइल में, सेव एज में, यहाँ से इस बार हम नाम चेंज कर देते हैं, अनटाइटल टू ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, सेव क्लिक करते हैं। ठीक है, बाकी आपको जो मैंने बताया था वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से इसको टिक मार्क कर देना है, कंप्रेशन में आना है आपको, इसको आप कर देना है डू नॉट जेपीजी, डू नॉट यहाँ से जिप फाइल। पिछली बार हमने 96 रखा था, इस बार हम क्या रखेंगे, 36, मतलब बहुत कम कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे इसका जो है फाइल साइज क्या है, सेव करेंगे और इस बार हम देखेंगे कि हमारे पीडीएफ का फाइल साइज कितना हुआ है। पीडीएफ हो चुका है, एक बार हम चलेंगे अनटाइटल टू को, इसको भी ओपन करेंगे तो देखिए ये 6 MB का फाइल बनके रेडी हो चुका है। मतलब कितना का डिफरेंट आ चुका है, मतलब जितना भी पीपीआई आप कम कीजिएगा उतना ज्यादा जो है आपका पीडीएफ जो है क्या होगा, वो कम एमबी का बनेगा। आप इसको आप ओपन कीजिए, थोड़ा सा इसकी इमेज की क्वालिटी जो है वो गिर गई होगी। ठीक है, देखिए ये फिर भी पढ़ने लायक है। तो जब भी आप फाइल को कंप्रेस करते हैं तो स्वाभाविक सी चीजें हैं कि उसकी अंदर की जो इमेजेस होगी या फिर कंटेंट होगा वो क्या होगा, कंप्रेस होगा, तो वो थोड़ा ना थोड़ा जो है उसका जो है जो पिक्सेल्स होता है वो कम होता है, जिसके वजह से एमबी जो है कम में बनता है, तो फाइल जो है आपका वो ब्लर हो जाता है या कई बार पिक्सलेट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और अब एक बार में अगर जैसे 66 MB का फाइल है उसको आप जो है 6 MB में कन्वर्ट करेंगे तो स्वाभाविक सी चीज़ें हैं कि थोड़ा सा इमेज की क्वालिटी हो गई वो ब्लर होगा या पिक्सलेट होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी आप जो है थोड़ा सा इन सब चीज़ों का इसको जो है आप कंप्रेस करें। तो ये प्रोसेस को फॉलो कीजिए आप, और किसी भी कितने भी हैवी अमाउंट का पीडीएफ होगा उसको आप इजिली वे में बहुत कम एमबी में जो है क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गैस, बने रहिए मेरे वीडियोज़ के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलोअर्स बहुत कम है, सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग।